प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे। तो दोस्तों, मैं मनीष और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। गाइस, अभी जो आपने प्रीवियम वीडियो देखा, तो दोस्तों इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, प्री सेटअप मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि एलाइट मोशन का मेंबरशिप मेरा हो चुका है खत्म। और गाइस, एलाइट मोशन का न्यू मेंबरशिप अगर मैं लेना चाहता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ प्रीमियम कितने का है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। गाइस, यहाँ पे मेंबरशिप ऑप्शन पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 1 ईयर का 7,700 मेंबरशिप है और वीकली 190 का है, जो कि मैं दोनों में से कोई भी परचेस करने के लिए सक्षम नहीं हूँ क्योंकि मेरा अर्निंग यूट्यूब से बिल्कुल नहीं है। यूट्यूब का अर्निंग अगर मैं आपको दिखा दूँ तो मैं आपको डायरेक्ट आज दिखा रहा हूँ मेरा यहाँ पे YTS स्टूडियो, जो कि आप देख सकते हैं $5 मेरा पर मंथ का अर्निंग है। सब्सक्राइबर भी कुछ नहीं है और सारे चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं डाउन है, जो कि आप लोगों का मेहरबानी है, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको ट्यूटोरियल ला कर दूंगा बट अब प्रीसेट मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ, मैं सक्षम नहीं हूँ। तो उसके लिए मैं मोड एप्लीकेशन का ही यूज़ करूँगा और आप जो भी यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। XML मैं आपको प्रोवाइड करूँगा हमेशा की तरह, फुल एडिटिंग भी मैं आपको बताऊंगा। आगे आपकी मर्जी, आप कितना मुझे सपोर्ट करोगे आपके ऊपर है। अभी के लिए मैं आपको एडिटिंग बताता हूँ। गाइस, सबसे पहले तो प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, लाइट मोशन ओपन करने के बाद 9:16 सेलेक्ट कीजिए, रेजोल्यूशन 1080 रखिएगा, फ्रेम रेट 60 या 30 भी रख सकते हैं, बैकग्राउंड ब्लैक कर लीजिएगा और क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लीजिए। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देन प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, मीडियम जाना है। मीडियम जाने के बाद जो भी फोटो आप एडिटिंग करेंगे उसे आप ले लेंगे। तो यहाँ पर पिंटरेस्ट में मेरे पास काफ़ी सारे फोटो है तो मैं तब तक के लिए यहाँ से कोई सा भी फोटो ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्रिएशन का फोटो सेलेक्ट कर लिया। देन अभी यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, ऑडियो में जाएंगे। गाइस, यहाँ पे एक सॉन्ग की जरूरत होगी तो जो भी सॉन्ग पे आप एडिटिंग करना चाहते हैं सॉन्ग आप ले लीजिएगा। मेरे पास काफ़ी सारे सॉन्ग हैं तो मैं यहाँ से कोई सा भी अच्छा सा सॉन्ग ले लेता हूँ जिसपे मैं एडिटिंग करके आपको दिखा सकूँ। सुगेज, मैंने एक सॉन्ग ले लिया। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो भी सॉन्ग आप लीजिएगा इस टाइप का लीजिएगा कि उसका जो लिरिक्स का लाइन हो वो छोटा छोटा हो, पूरा लाइन हम एक बार में टाइप करें उस टाइप का हो। अब इसे हम सॉन्ग को लेकर नीचे कर लेते हैं। सॉन्ग को नीचे करने के बाद यहाँ पर प्ले करके आपको देख लेना फर्स्ट लिरिक्स का फर्स्ट वर्ड क्या है और कहाँ से कहाँ तक है। तो मेरा फर्स्ट वर्ड जो है लिरिक्स का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है तो ये दोनों को हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से कट कर देते थोड़ा सा और इसे आगे कर लेते हैं यहाँ पे और प्ले करके देख लेते हैं अब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सही है। अब ये जो पिक्चर हम ऐड किए यहीं से पिक्चर ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं अभी कुछ इस तरह से आ रहा है। अब ये पिक्चर जो फर्स्ट लिरिक्स जहाँ से जहाँ तक है उसे प्ले करके आपको सुन लेना है और ये पिक्चर भी वहीं तक रहेगा, यहाँ तक आ रहा है। तो सिंपली यहाँ पे आएंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, पिक्चर को आगे खींच लेंगे। अब गाइस, यहाँ पे लिरिक्स आपको टाइप करना है तो उसके लिए स्टार्टिंग में आ जाइएगा और पिक्चर जहाँ से आपका स्टार्ट हुआ वहाँ पे आइएगा, प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, टेक्स्ट में जाइएगा। यहाँ पे आपको टाइप करना है जो भी है। गाइस, यहाँ पे एक टेक्स्ट आपको लेना है जो कि अलाइन कीजिए और बटन पर क्लिक कीजिए। ये मेरा न्यू एलाइट मोशन है तो इसमें शायद फॉन्ट हो भी नहीं भी हो तो मैं एक बार यहाँ पर सर्च करके देख लेता हूँ, गो बोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं है गाइज, तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ जल्दी से। आप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, मैं आपको दिखा दूंगा फॉन्ट का नाम क्या है। सुगे जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला फॉन्ट है, आपको इजीली गूगल पे मिल जाएगा, गो बोल्ड बोल्ड करके ये फॉन्ट का नाम है। तो अब यहाँ से आप इस फॉन्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा। देन डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड करना है, उसके लिए 3 लाइन पे क्लिक कीजिएगा, इंपोर्ट में जाइएगा और इंपोर्ट में जाने के बाद आपको इंपोर्ट फॉन्ट पर क्लिक कर देना होगा। देन यहाँ पे गई आपको कहना 3 लाइन पर क्लिक करके डाउनलोड वाले ऑप्शन पर टैप कर देना होगा। यहाँ पर जो फॉन्ट आप डाउनलोड करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, 3 लाइन पर क्लिक करके सेलेक्ट ऑल कर लीजिएगा, देन सेलेक्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका जो फॉन्ट है यहाँ पर ऐड हो गया। अब जब यहाँ पर आप सर्च करेंगे गो बोल्ड तो यहाँ पे आपको ये फॉन्ट मिल जाएगा, ठीक है, BOLD यहाँ पे बोल्ड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं गोल्ड गो बोल्ड यहाँ पे ये वाला फॉन्ट, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो सेलेक्ट करने के बाद गए इसका साइज आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए कितना रखना चाहते हो। तो मैं 16 PT रहने देता हूँ, इसका कलर जो यहाँ पे व्हाइट कर लेता हूँ। करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद इसे मूव करके नीचे की तरफ जहाँ पे भी आपको एडजस्टेबल लगे रख लीजिए। फॉन्ट अगर आप बड़ा करना चाहें, जूम करना चाहें तो भी कर सकते हैं, बस पिक्चर के बराबर में आपको इस फॉन्ट को रख लेना, जितना टाइम का आपका पिक्चर है उतना टाइम रख लीजिएगा।
देन आपको पिक्चर के बराबर में फिर से वापस आ जाना है, जहाँ से पिक्चर आपका स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आ जाना है। आने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, एक रेक्टेंगल ये वाला सेलेक्ट करना है, यहाँ पे एडिट शेप में जाइएगा। एडिट शेप में जाने के बाद गाइज आपको यहाँ पे क्या करना है, तो आपको सबसे पहले इस शेप का साइज आपको एडजस्ट करना है। तो एक्स वाई जो देख सकते हैं तो एक्स को सही रहने दीजिएगा, वाई पे क्लिक कीजिएगा और इसे 130 कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देख सकते हैं 30 मैंने कर देना है और यहाँ से आपको आ जाना है बैक। बैक आने के बाद गाइज फिर से इसे सेलेक्ट करना है और मूव ट्रांसफॉर्म में जाकर जूम पे चले जाना है। देन जूम पे जाने के बाद इसे आपको जूम कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आप जूम करेंगे और मिनिमम 1404 तक इसे रख लीजिएगा, ठीक है। 1404 तक इसे हम रख लेंगे, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा और डिक्रीज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इतना पे रख लेते हैं, 1400 नहीं मैं 1362 रख लेता हूँ, ठीक है। अब ये पिक्चर के बराबर में चले जाएंगे और शेप को भी सिलेक्ट करके यहाँ तक कर लेंगे। अब गाइस इस शेप पे आपको एक इफेक्ट दे देना होगा, तो शेप को सिलेक्ट कीजिएगा, इफेक्ट में जाइएगा और यहाँ पे ऐड इफेक्ट पे क्लिक, सॉरी इफेक्ट में नहीं जाना है, आपको यहाँ पे क्या करना है ब्लेंडिंग ओपेसिटी में जाना है और यहाँ पे आपको मास्क पे चले जाना है और यहाँ पे मास्क आपको ये वाला फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लेना है, जो कि कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। अब आपको जो पिक्चर है इसे सिलेक्ट करके थोड़ा बहुत जूम वगैरह करके एडजस्ट कर लीजिएगा, ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, देख सकते हैं। देन यहाँ पे आपको गाइज क्या करना है, जो आप टेक्स्ट लिए हैं उस टेक्स्ट पे आपको इफेक्ट देना है, तो टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन सिलेक्ट करने के बाद गाइज आपको टेक्स्ट पे क्या करना है, इफेक्ट देना है, तो इफेक्ट में जाइएगा, ऐड इफेक्ट में जाइएगा। देन टेक्स्ट पे आपको सबसे पहला इफेक्ट देना है और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का, टेक्स्ट स्पेसिंग का हो तो इस पे आकर टेक्स्ट स्पेसिंग में जाकर स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा। देन यहाँ पे लिटर स्पेसिंग जो है इसे 10 कर दीजिएगा, तो थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा। देन यहाँ पे आप गाइज बैक कीजिएगा, ऐड इफेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, फिर से नीचे आकर टेक्स्ट में जाइएगा, यहाँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर लीजिएगा, देन स्टैंडर्ड सेटिंग कीजिएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टार्ट में आकर यहाँ पे एक की लगा लेना है, की लगाने के बाद लास्ट में जाइएगा, लास्ट से थोड़ा सा पहले आकर एक की लगा लीजिएगा, की लगाने के बाद इसे 100 कर दीजिएगा, ठीक है। 100 करने के बाद नीचे आइएगा, तो यहाँ पे आपको इंड 0 इंड 100 है ही रहने दीजिएगा, फेज 0 रहने दीजिएगा। नीचे आइएगा तो यहाँ पे लेटर का ऑप्शन आएगा, तो इस पर आपको क्लिक करके वर्ड कर लेना है। यहाँ पे कंपोनेंट का ऑप्शन आएगा, इसे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद एक्स वाई 0 ही रहेगा, ये सब 0 रहेगा। आपको सिंपली अल्फा पे क्लिक करना है, अल्फा को यहाँ पर माइनस में 1000 आपको कर देना है। देन इसे जब कर लेते तो आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे ये जैसे वैसे छोड़ दीजिएगा। नीचे आइएगा तो एज इन एज आउट का ऑप्शन दिखेगा, ये सब 0 रहने दीजिएगा। आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली यहाँ पे ओवरलैप का जो ऑप्शन आएगा इसे 70 कर दीजिएगा, ठीक है। मतलब 70 आपको यहाँ पे कर देना है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 70 कर दिया। इसके बाद स्क्वायर है रहने दीजिएगा, इस सब में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर देना है, बैक चला जाएगा। अब आपको गाइज क्या करना है, इस तीनों को सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से और इसका आपको ग्रुप बना लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ग्रुप बन गया है। अब इसमें थोड़े से इफेक्ट हमें देने हैं। अब गाइज यहाँ पे एक और चीज़ कर लीजिएगा, इस ग्रुप को सिलेक्ट कर लीजिएगा, मूव ट्रांसफॉर्म में जाकर जूम वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और इसका जो गाइज जूमिंग है हाइट, इसका आप देख सकते हैं हाइट विथ विथ लिखा हुआ है, तो हाइट आप यहाँ पे 900 के आसपास रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 906 में रहने देता हूँ, देन कुछ इस तरह से दिखेगा। अब गाइज आपको मेन काम यहाँ पे करना है, यहाँ पे आपको गाइज क्या कर लेना है, मूव ट्रांसफॉर्म में जाना है और यहाँ पे आपको ये जो मूव वाला ऑप्शन है इसके स्टार्टिंग में आकर एक की लगा लेना है और दरमियान में जाकर एक की लगाना है, मतलब लास्ट में एक की लगाना है और एक दरमियान में लगाना है, मतलब बीचों बीच लगा लेना है। बीच वाला लगाने के बाद आप जहाँ पे भी इसे रखना चाहते हैं इस तरह से रख लीजिएगा और स्टार्टिंग वाले पे आपको इसे नीचे की तरफ ऐसे कर देना है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कर दिया। करने के बाद इसके लास्ट में जाइएगा और लास्ट में इस तरह से इसे ऊपर की तरफ कर लीजिएगा, ऐसे एकदम बराबर में ही रखिएगा इस तरह से, देख सकते हैं। अब गाइस ये दोनों के बीच में ये कॉर्व वाले ऑप्शन टैप कीजिए, इसे यहाँ पर रख लीजिएगा और इसे यहाँ पर रख लीजिएगा, देन इस साइड में जाइएगा और इसे यहाँ पर रख लीजिएगा और इसे यहाँ पर रख लीजिएगा, जैसे आप देख सकते हैं परफेक्ट प्ले करने पर कुछ इस तरह से आएगा, देख सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर एक और काम करने का, जूमिंग वाले पे आपको चले जाना है और यहाँ से बैक आकर जूम पे चले जाना है। देन यहाँ पे आपको दरमियान में आकर एक की लगा लेना है और फिर इसके लास्ट में जाकर एक की लगा लेना है। दरमियान वाले पे आपको थोड़ा सा इसे बढ़ा देना है, तो जैसे यहाँ पे 1000 तक आप कर सकते हैं, तो इसे 1000 रख लेंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे 1000 इसे रख लेते हैं, परफेक्ट। और स्टार्टिंग वाले पे आ जाइएगा, स्टार्टिंग वाले पे आने के बाद गाइस इसे आपको 645 के अकॉर्डिंग में रख लीजिएगा, ठीक है। तो 645 इसे रख लेते हैं,
सुखेश यहाँ पे भी एक कर्व आपको देना है, तो ये वाले ऑप्शन पे आइएगा, यहाँ पे इसे करके और इस तरह से कर लीजिए, तो अब आप देखेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे से आएगा और फिर यहाँ से इस तरह से चला जाएगा। अब एक काम और आपको गाइज करना है, आपका लाइटिंग्स तो यहीं पर खत्म हो रहा था, यहाँ पे आप देख सकते, तो यहाँ पे हम बीट लगा सकते हैं, देन आपको थोड़ा सा आगे आ जाना होगा, इतना काफ़ी रहेगा, और इसे सेलेक्ट करके ड्यूरेशन की मदद से इसे आगे खींच लीजिएगा और फिर यही को क्लिक कीजिएगा, ये वाले ऑप्शन टैप करके कॉपी लेयर कर लीजिएगा, देन जितना आगे की उतना ही पीछे आकर ये वाले ऑप्शन टैप करके पेस्ट लेयर कर लीजिएगा, ठीक है, और फिर आपको प्ले करके चेक कर लेना है नेक्स्ट वाला आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ तक सब मेरा, यहाँ तक आ रहा है, तो सिंपली से सिलेक्ट करके सबसे पहले यहाँ पे बीट लगा लीजिएगा, और अब आपको गाइज क्या करना है, ये वाला जो नीचे से आ रहा है इसे थोड़ा सा आगे कीजिएगा, आप इस तरह से देख सकते हैं, ताकि ये जब नीचे वाला जब आएगा तो ऊपर वाला चले जाना चाहिए, ठीक है, तो ये अभी तक नहीं जा रहा, तो इसे सेलेक्ट करते ड्यूरेशन की मदद से कट कर देते थोड़ा सा, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जब नीचे से आया तो ये ऊपर वाला चला गया, परफेक्ट इस तरह से ही आपको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। अब इस बीट को हम हटा देते, बीट की ज़रूरत नहीं, तो प्ले करके दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला वर्ड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इस तरह से हम इसे एडजस्ट करेंगे, तो सबसे पहले अब आपको यहाँ पे पिक्चर सेलेक्ट करना होता है, इसे सेलेक्ट कीजिए, एडिट ग्रुप में जाइएगा, देन जो भी फोटो आप लेना चाहते हो तो प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, मीडियम जाइएगा, जो भी फोटो आप लेना चाहते हैं यहाँ पे फोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे मैं तब तक लिए वाली फोटो को सेलेक्ट कर लिया हूँ, सेलेक्ट करने बाद यहाँ से इस फोटो को नीचे कर देंगे, पहले से जो फोटो यहाँ पे अवेलेबल है इस फोटो को हम डिलीट कर देंगे, और जो फोटो मैं ऐड किया उसे एडजस्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से आप छोटा बड़ा करके एडजस्ट कर सकते हैं, तो इस तरह से मैं सेट कर देता हूँ, देन फोटो का ड्यूरेशन आपको इस ग्रुप के बराबर में ही रख लेना है इस तरह से। अब लाइटिंग्स चेंज करना है, तो आपका जो भी लाइटिंग्स था उसे आपको यहाँ पे टाइप करना है, तो सब मेरा, तो यहाँ पे हमारा लाइटिंग्स का वर्ड होगा सब मेरा, जो भी है सब मेरा, तो सब मेरा, ठीक है, यहाँ पे सब मेरा, बस इतना था। अब राइट क्लिक कर लेंगे, देन राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको आ जाना है बैक, बैक आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ग्रुप जो है ख़राब हो गया, तो इसे इस तरह से आप बढ़ाइएगा, इस तरह से फिंगर से स्क्रॉल कर लीजिएगा, और ये जो बीट लगा हुआ है यहाँ पे की जो लगा हुआ है इस की के बराबर में रखिएगा, और फिर बीट जो लगा है उस बीट पर आ जाइएगा, ड्यूरेशन पर क्लिक करके इसे आगे खींच लीजिएगा, अब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला वर्ड जो स्टार्ट होगा, तो इस तरह से इसे थोड़ा सा आगे खींच लेंगे, ड्यूरेशन की मदद से इसे आगे खींच लेंगे, और बीट जो लगा उस पर आकर ये वाले ऑप्शन टैप करके और पेस्ट लेयर कर लेंगे, नेक्स्ट वाला इसी तरह से आगे ये जाएगा और ऊपर की तरफ, और दूसरा वाला ऊपर से आ जाएगा, तो इस तरह से आपको एडिट करके पूरा लास्ट कर लेना है, देन पूरा कंप्लीट करने के बाद गए इस वीडियो को सेव कर लेना, सेव करने के बाद आपको यहाँ पे नोट वीडियो एप्लीकेशन को ओपन करना है, तो मैं जल्दी से इसे सेव करके आपको नोट वीडियो का एडिटिंग बताता हूँ। सो यहाँ पे ये सेव हो चुका है, आप देख सकते हो। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आ जाना है, नोट वीडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, नोट वीडियो अगर आपके पास नहीं है तो ईजिली आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, देन डाउनलोड करने के बाद न्यू वाले पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा, प्लस के आइकन पे क्लिक करके मीडियम चले जाएगा, देन यहाँ वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होगा, देन आपको रिसेंट में चले जाना, जो वीडियो आप सेव किए हैं एलाइट मोशन से उस वीडियो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, थोड़ा सा आगे कर लीजिएगा तो कुछ इस तरह से दिखने लगेगा आपका प्रोजेक्ट। गई एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, एलाइट मोशन में ये ग्रुप जो आप बनाए हैं तो हो सकता है ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, तो कॉर्नर आपको ना दिखे तो शैडो ऑन करके व्हाइट कर लीजिएगा और एक्स वाई को जीरो कर दीजिएगा शैडो में, ठीक है, इतना चीज़ आपको पता होगा, आप काफ़ी टाइम से एडिटिंग कर रहे हैं। अब आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, एसिट एस ये क्या है एसेट एस स्टोर जो है इस पर क्लिक करना है, ग्लो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ग्लो को सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा, आपको गाइस क्या करना है, कलर जो व्हाइट देख सकते हैं इस पर क्लिक करना है, और इसका कलर आपको चेंज करके जो भी कलर आप रखना चाहे यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो मैं यहाँ पे गोल्डन टाइप का सेलेक्ट कर लेता हूँ, सही है, लेकिन यहाँ से बैक करना है, इंटेंसिटी जो आप देख सकते हैं इसे आप बढ़ा दीजिएगा गाइस, तो 1.5 करके ओके मैं कर देता हूँ, देन कुछ इस तरह से आएगा, थ्री शोल्ड भी आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ से घटा भी सकते हैं, तो आप जितना भी रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्लो इफेक्ट मिलेगा, देख सकते हैं ऊपर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, देन नीचे रूट वाले ऑप्शन टैप कीजिए, देन टैप करने बाद ग्रीन वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए और वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया, उसके वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, इस तरह का और भी एडिटिंग करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।